अस्सलाम वालेकुम जी, डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हम लोगों ने ET 233 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका चैप्टर नंबर 3 क्लास में स्टार्ट किया था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ हालात ऐसे हुए कि क्लासेस ऑफ करना पड़ी। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 को ही आज दोबारा स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। चैप्टर नंबर 3, सब्जेक्ट ET 233 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और चैप्टर का नेम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा रिपीट करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले क्लास में इसको पढ़ रखा है कि रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन के काम करने का असूल क्या है। क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैकेनिकल साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का मैकेनिकल साइकिल। तो हम थोड़ा पीछे से रिपीट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जी कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक कंट्रोल्ड मेथड से, फ्रॉम अ कंट्रोल्ड मेथड, किसी एक जगह से हरारत को जज़ब किया जाता है और दूसरी जगह जाकर उस हरारत को खारिज कर दिया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन। यानी रेफ्रिजरेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें किसी एक जगह से हरारत को जज़ब किया जाता है और दूसरी जगह जाकर हरारत को खारिज कर दिया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन एक ऐसा अमल जिसमें हरारत को किसी एक जगह से उठाया जाए और किसी दूसरी जगह जाकर डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन के काम करने का असूल, यानी रेफ्रिजरेंट किस असूल पे काम करता है रेफ्रिजरेटर, वो हम लोगों ने वैसे ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक के मुताबिक या रेफ्रिजरेशन के काम करने का असूल जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो कंपाउंड्स, वो मुरक्कबात जो तेज़ी से लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी वो मुरक्कबात जो तेज़ी से हमारे पास माया हालत से तब्दील हो जाते हैं गैस में, तो वो उस जगह से हरारत को जज़ब कर लेते हैं। एक ऐसा तरीकाकार जिसमें वो कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाएं, वो मुरक्कबात हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर किसी भी एक जगह से हरारत को जज़ब करने के लिए एक लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कंपाउंड्स या वो मुरक्कबात हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत तेज़ी से लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होते हैं गैसियस फॉर्म में, यानी लिक्विड से कन्वर्ट होंगे किस में, गैस में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थिनर या पेट्रोल। अब थिनर या पेट्रोल को हम अपनी हथेली पर थोड़ा सा गिराते हैं तो वो थिनर या जो पेट्रोल है वो फौरन से पहले आपकी उस हथेली से हीट को जज़ब करता है और गैसियस फॉर्म में यानी बुखारात बनकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर एक सेकंड के बाद महसूस किया जाए तो हमारी जो हथेली का उतना हिस्सा है जहां पर हमारे पास आकर थिनर या पेट्रोल को गिराया गया था, तो वो जगह ठंडी हो जाती है। यानी मकसद ये हुआ समझाने का कि वो लिक्विड कंपाउंड जो हमारे पास मुरक्कब है, जो लिक्विड फॉर्म में है, यानी चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो थिनर है, हमने उसको अपनी हथेली पे गिराया। गिराया किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अब उसने क्या किया, हथेली से उस हरारत को जज़ब किया। जज़ब करने के बाद कन्वर्ट किस में हुआ, गैसियस फॉर्म में, यानी बुखारात बना और ख़त्म हो गया। लेकिन उस जगह से हरारत को जज़ब कर गया और उतनी जगह हमारी हथेली की जो थी वो ठंडी हो गई। तो रेफ्रिजरेशन के काम करने का असूल भी यही है कि जिस वक़्त हमारे पास लिक्विड तेज़ी से कन्वर्ट होगा उसमें गैसियस फॉर्म में, यानी वो मुरक्कब जो तेज़ी से लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होगा गैसियस फॉर्म में, तो वहाँ से वो हरारत को जज़ब कर लेगा। यानी जब लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में तो हरारत जज़ब होगी, जब गैस दोबारा कन्वर्ट होगी लिक्विड में तो हरारत का इखराज होगा। जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में तो ये हरारत को जज़ब कर रहा है, जिस वक्त गैस दोबारा कन्वर्ट होगी लिक्विड फॉर्म में तो ये हरारत को खारिज करेगा। यानी लिक्विड से गैस बनेगा तो हरारत जज़ब होगी, गैस से लिक्विड बनेगा तो हरारत खारिज होगी। रेफ्रिजरेंट के काम करने का असूल भी यही है कि जो मुरक्कबात, वो कंपाउंड्स जो तेज़ी से, यानी फास्टली, बहुत तेज़ रैपिडली हमारे पास
कन्वर्ट होते हैं लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में, तो वो उस जगह से हरारत को जज़ब कर लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग कुछ यहाँ पर जाकर पढ़ते हैं, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल, मैकेनिकल साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब ये हमारे पास रेफ्रिजरेंट का वो हिस्सा है जहाँ पर हमारे पास इसमें लिक्विड होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, ये है लो प्रेशर साइड और इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर साइड, ये हाई प्रेशर साइड और ये लो प्रेशर साइड। लो प्रेशर साइड में प्रेशर जो है वो कम होगा, हाई प्रेशर साइड में प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। रेफ्रिजरेंट में कौन सी चीज मौजूद है हमारे पास, लिक्विड। ये रेफ्रिजरेंट का जो हिस्सा है यहां पर कौन सी चीज मौजूद है, लिक्विड। लिक्विड देखिए यहां से गया, यहां पे लो टेम्परेचर है और प्रेशर भी लो है, यानी इन ट्यूब्स के अंदर हमारे पास प्रेशर भी लो है और टेम्परेचर भी लो है। इस पोर्शन के अंदर लो टेम्परेचर है और लो ही प्रेशर है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी ये यहां से जो चल रहा है अभी हमारे पास लिक्विड फॉर्म है, यहां पर जो लिक्विड जा रहा है जब इसे हरारत मिलेगी तो ये फौरन किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म में। लिक्विड कन्वर्ट होगा जब गैसियस फॉर्म में तो ये हरारत को जज़ब करेगा, लिक्विड फॉर्म जब गैसियस में कन्वर्ट होगी तो हरारत जज़ब होगी। यहां से हमारे पास कौन सी चीज जा रही है, लिक्विड। देखें टेम्परेचर लो है, प्रेशर लो है, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। कैसे होगा यहां देखते हैं जी, यहां से हमारे पर रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। वो लिक्विड कहां आ रहा है हमारे पास, एवापोरेटर में। ये हिस्सा क्या कहलाता है, एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या है, आपने कभी फ्रिज का हम लोग डोर ओपन करते हैं तो उसके सामने बिल्कुल आपके डोर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे कुछ ट्यूब्स इस तरह से लगी हुई हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एवापोरेटर। ये लिक्विड कहाँ जा रहा है, एवापोरेटर में। एवापोरेटर के साथ रेफ्रिजरेंट में कुछ अशिया हमारे पास मौजूद है जिसका हम लोग टेम्परेचर कम करना चाहते हैं। एवापोरेटर में जब ये लिक्विड पहुंचा तो एवापोरेटर ने इन अशिया में से, लेट्स सपोज उसके अंदर कोई फ्रूट पड़ा है, कोई दूध पड़ा है, कोई भी चीज़ हमारे पास पड़ी है, उसमें से हरारत को जज़ब किया। जब हरारत को जज़ब किया गया तो ये लिक्विड जो हमारे पास यहाँ से चलता हुआ आया था, टेम्परेचर अभी लो था, लेकिन जो ही हरारत जज़ब करके इस लिक्विड को मिली तो ये लिक्विड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म में। अगर आप यहाँ पर देखें तो जब इससे आउट हुआ एवापोरेटर से, प्रेशर लो है, प्रेशर यहाँ पर भी लो था, लेकिन यहाँ टेम्परेचर लो था, यहाँ टेम्परेचर हाई हो चुका है, यानी कि एक अमल हो चुका है, लिक्विड फॉर्म से रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो गया है गैसियस फॉर्म में। किस वजह से हुआ है, इस एवापोरेटर ने जो हीट जज्ब की थी इन अशिया में से, उस हरारत ने आने वाले लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, गैस में। यानी यहाँ पर एक सवाल ये क्लियर हुआ शॉर्ट क्वेश्चन का कि एवापोरेटर का काम क्या है, एवापोरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो अशिया में से हरारत को जज़ब करती है। जब अशिया में से हरारत जज़ब हुई तो इसका मतलब है लिक्विड को हीट मिली, लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है अब किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। यानी एवापोरेटर की इनपुट तक लिक्विड था लेकिन आउटपुट पर हमें गैसियस फॉर्म में मिला है, तो अब लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है गैसियस फॉर्म में और यहां से हरारत अशिया में से, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो अशिया रखी गई थी उनमें से हरारत जज़ब हो चुकी है। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लेकिन फॉर्म लिक्विड से कन्वर्ट हो गई है कौन सी, गैस। ये हमारे पास लगा हुआ है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज कर देना। कंप्रेसर क्या काम करता है, प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। अब यहां पर कंप्रेसर के अंदर लो प्रेशर आ रहा है, टेम्परेचर हाई है, इसने क्या किया, इस आने वाले गैस का टेम्परेचर जो था वो, सॉरी टेम्परेचर नहीं, इसका जो प्रेशर था उसको इंक्रीज कर दिया। यहां से टेम्परेचर हाई था, प्रेशर लो था, लेकिन जब कंप्रेसर से निकला हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, जो प्रेशर लो था वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, हाई प्रेशर में। यानी एवापोरेटर से हीट जज्ब हुई, लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हुई गैसियस फॉर्म में, वो गैस कहां पर आया हमारे पास, कंप्रेसर में। कंप्रेसर ने क्या किया, उसके प्रेशर को बढ़ा दिया। अब यहां पर हमारे पास टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ट्यूब से होता हुआ कहां पर पहुंचा है, कंडेंसर में। कहां पहुंच गया है, कंडेंसर में।
कंडेंसर की अगर मीनिंग्स को देखा जाए तो कंडेंसर का मतलब होता है गाढ़ा करने वाला। कंडेंसर के जो लफ्जी मानी हैं या उसके जो मीनिंग्स हैं वो है गाढ़ा कर देना, यानी यहां पर आने वाली चीजों को गाढ़ा किया जा रहा है। आ कौन सी चीज रही है हमारे पास, यहां गैस। ये तमाम देखिए डॉटेड लाइन से जो जाहिर किया जा रहा है वो क्या है, गैस है। यानी यहां तक कौन सी चीज है हमारे पास, गैस है, लेकिन आगे क्या है, लिक्विड। कंडेंसर आपके रेफ्रिजरेटर पे लगा हुआ बैग पे जो एक आपने देखा है गोल सा डब्बा बना हुआ है वो है हमारे पास कंडेंसर। कंडेंसर ने क्या किया, एवापोरेटर ने जो अशिया में से हरारत को जज़ब किया था उस आने वाली हरारत को बाहर नॉर्मल फिजाई दबाव पर एग्जास्ट कर दिया, खारिज कर दिया। जब हरारत जज़ब हुई थी तो लिक्विड कन्वर्ट हुआ था गैस में। कंडेंसर में आने के बाद क्या हुआ, हरारत जो यहां एवापोरेटर से जज़ब की गई थी यहां पर आकर खारिज कर दी गई है, यानी अब गैस दोबारा कन्वर्ट हो गया है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। वो लिक्विड दोबारा कंट्रोलर में आया। ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक अशिया मुकम्मल तौर पर ठंडी नहीं होंगी। अब अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा जाए तो मेरा ख्याल इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर टू, रेफ्रिजरेशन का वर्किंग प्रिंसिपल, यानी रेफ्रिजरेशन के काम करने का असूल। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल क्या काम करता है, ये लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड दोनों को अलग रखता है। लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड दोनों को जो अलग रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एवापोरेटर, एवापोरेटर की तारीफ करें। एवापोरेटर क्या करता है, एवापोरेटर का काम है रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी गई अशिया में से हरारत को जज़ब कर देना। यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो अशिया रखी गई हैं उनमें से हरारत जो जज़ब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवापोरेटर। उसके बाद आ जाए जी कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या काम है, आने वाले गैस के प्रेशर को बढ़ा देना। एवापोरेटर का ताल्लुक प्रेशर से नहीं है, एवापोरेटर का ताल्लुक टेम्परेचर से है। कंप्रेसर का ताल्लुक टेम्परेचर से नहीं है, कंप्रेसर का ताल्लुक प्रेशर से है। कंप्रेसर एक ऐसा आला होता है जो आने वाले गैस के प्रेशर को बढ़ा देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन कंडेंसर। कंडेंसर की तारीफ करें। कंडेंसर एक ऐसा आला है जो एवापोरेटर से जज़ब की गई हरारत को बाहर नॉर्मल दबाव पर खारिज कर देता है और गैस को दोबारा कन्वर्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। जी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर नंबर थ्री के हम लोगों ने तीन टॉपिक पढ़े थे। पहले सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन के बाद हमने पढ़ा कि रेफ्रिजरेटर किस असूल पर काम करता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रेफ्रिजरेशन का मैकेनिकल साइकिल क्या है, मैकेनिकल साइकिल में कौन कौन से हिस्से हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट से चलते हैं। सबसे पहले इसको दी गई है सिंगल फेज एसी सप्लाई। सिंगल फेज एसी सप्लाई का जो स्विच है, सॉरी स्विच नहीं, जो वायर है न्यूट्रल, वो डायरेक्ट देखें हमारे पास ये कंप्रेसर की मोटर है। इस कंप्रेसर मोटर को न्यूट्रल मिल गई है यहाँ से डायरेक्ट, दोनों वाइंडिंग्स को, स्टार्टिंग को भी और मेन को भी, जबकि फेज जो है वो इन तमाम आलात से होती हुई पहुंचेगी मोटर तक। सबसे पहले न्यूट्रल तो हो गया डायरेक्ट, मेन की तरफ चलते हैं, सॉरी फेज की तरफ चलते हैं। फेज यहां से स्टार्ट हुआ हमारे पास, सबसे पहले आ गया डोर लैंप स्विच में। आप कभी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके साथ ही साइड पर एक खुलने के साथ एक स्विच लगा होता है, जो ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो एक पुश बटन होता है, उसका प्रेशर बाहर की तरफ आ जाता है, स्विच बाहर आ जाता है, स्विच के बाहर आते ही रेफ्रिजरेटर का जो लैंप है वो ऑन हो जाता है। ये डोर लैंप स्विच और इसके साथ आ गया है ये डोर लैंप। लेकिन जो ही आप डोर को क्लोज करते हैं वो एक बताया कि एक स्विच है, एक दबाव से चलने वाला, प्रेशर से चलने वाला स्विच है। जब उस स्विच के ऊपर दोबारा प्रेशर लगता है तो वो आपके लैंप को ऑफ करवा देता है। यानी ये लैंप डोर का स्विच और ये लैंप डोर, ये उस वक्त दरवाजे के साथ आपके लैंप को ऑन या ऑफ करवाने के लिए लगाए गए हैं।
कि जो ही डोर ओपन होगा तो हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा, और जो ही डोर क्लोज करेंगे तो साथ ही उसका लैंप भी ऑफ हो जाएगा। अब फेज़ एक इधर आ गई, इसको न्यूट्रल यहाँ से मिल गई, फेज़ और न्यूट्रल दोनों कंबाइन हो गई। फेज़ और न्यूट्रल मिलने से ये वाला सर्किट जो था वो एक्टिवेट हो चुका है। अब इधर चलते हैं, यहाँ से फेज़ सप्लाई है हमारे पास थर्मोस्टेट स्विच में। थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है? थर्मोस्टेट स्विच दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारे पास रेफ्रिजरेटर के साथ साथ एयर कंडीशनर में, कभी आपने विंडो टाइप एयर कंडीशनर देखे हों तो उसके साथ एक सिलेक्टेड स्विच लगा होता है जिसको हम लोग मूव करवा के अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। सेम इसी तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर भी आपने देखा एक 0 से लेकर 9 तक का एक रोटेटिंग स्विच लगा होता है। उस रोटेटिंग स्विच से हम लोग क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है? थर्मोस्टेट स्विच का काम है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। थर्मोस्टेट स्विच से सप्लाई होते हुए जा रही है हमारे पास थर्मल ओवरलोड रिले, इसको हम लोग शॉर्ट वर्डिंग में कहते हैं OLR, ओवरलोड रिले। किस असूल पे काम कर रही है? थर्मल इफेक्ट पर। थर्मल इफेक्ट क्या होता है कि जिस वक्त टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं, जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये खुल जाएंगी और आगे तमाम सर्किट जो है वो सप्लाई से अलग हो जाएगा। थर्मल ओवरलोड रिले एक ऐसा रिले जो मोटर के ओवरलोड होने की सूरत में मोटर को सप्लाई से अलहदा कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले को ऑपरेट कौन सी चीज़ करवा रही है? हीटिंग रेजिस्टेंस। जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट गुजरता है तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर पता होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में तीसरा कानून पढ़ा था कि किसी भी सर्किट का टेम्परेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस में से जब जायद करंट गुजरेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इन कॉन्टैक्ट्स को खोल देगी, जो ही ये कॉन्टैक्ट्स खुलेंगे आगे सप्लाई का रास्ता बंद हो जाएगा। यानी न्यूट्रल तो जो डायरेक्ट आ रही है वो तो मिलती रहेगी, लेकिन फेज सप्लाई का रास्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारी मोटर जो है वो जलने से, बर्नआउट होने से बच जाएगी। उसके बाद ये सप्लाई आई हमारे पास मोटर की, देखिए दो वाइंडिंग्स हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। मोटर मेन वाइंडिंग से स्टार्ट नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसके अंदर एक और फ्लक्स पैदा करवाने के लिए लगा दिया एक एक्सिलरी वाइंडिंग। एक्सिलरी या इसको हम लोग कह लेते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग का काम सिर्फ और सिर्फ मोटर को स्टार्ट करवाना होता है। जब मोटर एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है तो हम इसको सर्किट से निकाल देते हैं और मोटर का रूटर सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग के साथ हरकत करता रहता है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास OLR से होती हुई सप्लाई आ रही है प्लंजर में। नॉर्मल हालत में ये कॉन्टैक्ट्स मिले होते हैं, यानी ये मोटर की जो इस वक्त ये वाला प्लंजर नीचे की तरफ है, ये इसकी रनिंग कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन नहीं है। स्टार्टिंग कंडीशन में ये प्लंजर ऊपर की तरफ होगा, सप्लाई का रास्ता ये आ गया हमारे पास स्टार्टिंग का और ये आ गया हमारे पास मेन का। यानी फेज़ यहाँ से दोनों को मिल रही है, यहाँ से आएगी हमारे पास मेन में और ये ऊपर की तरफ मिला होगा, यहाँ से सप्लाई जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग में। स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी करंट मिल रहा है, न्यूट्रल ये आ गई स्टार्टिंग की, फेज इसकी ये आ गई, न्यूट्रल इसकी ये आ गई। इस वक्त दोनों वाइंडिंग्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और मोटर का रोटर गर्दिश करना शुरू हो जाएगा, यानी कंप्रेसर मोटर जो है वो हमारे पास ऑन हो चुकी है। लेकिन जिस वक्त मोटर अपनी नॉर्मल करंट पर आ जाती है, नॉर्मल वोल्टेज पर आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मोटर स्टार्टिंग के वक्त जायद करंट लेती है, उस जायद करंट से बचाने के लिए हमने इसके अंदर लगाई थी एक स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग। लेकिन जब मोटर अपने नॉर्मल करंट पर आ गई तो उस वक्त इस प्लंजर के अंदर करंट गुजरने से पैदा हो रहा है फ्लक्स। ये फ्लक्स या मैग्नेटिज्म जो पैदा होगा ये हमारे पास इस प्लंजर को नीचे की तरफ खींच लेगा, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स अलहदा हो जाएंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग को जाने वाले करंट का रास्ता बंद हो जाएगा लेकिन मेन वाइंडिंग को करंट मिलता रहेगा, लिहाजा मोटर का रोटर गर्दिश करता रहेगा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? ये हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग अब सर्किट से निकल चुकी है, मोटर का रोटर सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हरकत कर रहा है? मेन वाइंडिंग के साथ। अब अगर इसका स्विच हम लोग ऑफ करते हैं
और फिर दोबारा ऑन करते हैं तो फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट में आ जाएगी, लेकिन जब मोटर अपनी नॉर्मल करंट पर पहुंचेगी स्टार्टिंग वाइंडिंग फिर सर्किट से निकल जाएगी, मोटर का रोटर सिर्फ मेन वाइंडिंग के साथ गर्दिश करता रहेगा। अब अगर इस पूरे टॉपिक को देखा जाए तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास बन रहे हैं, नंबर एक थर्मोस्टेट स्विच को डिफाइन करें, क्वेश्चन नंबर टू डिफाइन थर्मल ओवरलोड रिले, क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन हीटिंग रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग, और या क्वेश्चन नंबर फाइव आ गया हमारे पास मेन मोटर के काम करने का असूल। ये हमारे पास पांच एक इसके शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन नहायत इंपॉर्टेंट है। इनको लाजमी तौर पर मैकेनिकल साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन में और इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेफ्रिजरेटर भी लॉन्ग क्वेश्चन में इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।